गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास सिक्स के टॉपिक वाटर से स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि हम सब भली भांति इस चीज से परिचित हैं कि वाटर यानी जल के बिना अस्तित्व कि कल्पना करना बेमानी है। वाटर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर हम डे टू डे की एक्टिविटी पे ध्यान दें तो शायद लगभग सारी एक्टिविटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाटर से रिलेटेड है। अगर हम राइट फ्रॉम द मॉर्निंग जब सुबह जगते हैं तो चाहे वो टॉयलेट पर्पस हो, ब्रशिंग का पर्पस हो, नहाना हो, कपड़े धोने हो, बर्तन साफ करना हो, खाना बनाना हो, सारी एक्टिविटी जो है वाटर से रिलेटेड है। इंडस्ट्रीज उसका एक बड़ा रॉ मटेरियल वाटर है। हॉस्पिटल्स हो, हम अपने खेत की बात करें, पार्क है, पब्लिक रिसोर्सेस है, रोड की गलियों की सफाई करनी है, इन सारे काम में वाटर का यूज है। अगर किसी कारण से वाटर का क्राइसिस हो, वाटर की कमी हो जाए, तो हमारा डे टू डे लाइफ जो है वो दूभर जैसा हो जाता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर कितने वाटर की हमको आवश्यकता है, वाटर के क्या-क्या सोर्स हो सकते हैं, उन सब का यहाँ पे हमें जिक्र करना है। तो सबसे पहले वाटर इसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसके लिए हम लोग H2O लिखते हैं। और चूंकि ये एटम का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो ये एक मॉलिक्यूल हुआ एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलोंग विथ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलोंग विथ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वाटर के लिए केमिकल फॉर्मूला हुआ। अगर हम लोग सबसे पहले इस बात का डिस्कशन करें हाउ मच वाटर वी नीड यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वेशन और सर्वे के आधार पे एवरी इंडिविजुअल नीड्स एटलीस्ट 50 लीटर ऑफ वाटर।
अब एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर हम लोग करें, कि एक टाउनशिप है, उस टाउनशिप में 5,000 फैमिलीज रहती हैं और ऑन एन एवरेज हर एक फैमिली में अगर 4 मेंबर हों यानी 4 मेंबर्स पर फैमिली, ये हमने एवरेज वैल्यू लिया, तो टोटल 500 इंटू 4 से 2,000 पीपल उस टाउनशिप में रहते हैं। अब इस मास के लिए, इतने लोगों के समूह के लिए जो मिनिमम वाटर का रिक्वायरमेंट होगा तो मिनिमम वाटर का जो रिक्वायरमेंट होगा इट विल बी 2,000 इंटू 50 लीटर, यानी ये 1,00,000 लीटर के बराबर होगा। यानी पर डे उस पर्टिकुलर टाउनशिप के डिमांड को पूरा करने के लिए मिनिमम हमें जो वाटर की आवश्यकता होगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 लीटर। एक बार हम लोग और ईच इंडिविजुअल अगर हम वाटर के यूज के डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दें, हर एक इंडिविजुअल कितना वाटर यूज करता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न पे ध्यान दें बेसिक डिमांड के लिए, तो यहां हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, इस तरफ हम बेसिक नीड की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अगर टॉयलेट की बात करें तो ऑन एन एवरेज वी नीड अराउंड 5 लीटर ऑफ वाटर। अगर बाथिंग के पर्पस की बात करें, नहाने धोने की, तो उसमें तकरीबन 15 लीटर ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड। ड्रिंकिंग पर्पस में अराउंड 3 लीटर। ब्रशिंग के लिए अराउंड 1.5 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होगा। फाइव लीटर वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स के लिए। तकरीबन 10 लीटर वाटर की आवश्यकता होगी। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए इसी तरह से क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, इसमें भी तकरीबन 5 लीटर वाटर की आवश्यकता होगी। एंड फॉर अदर पर्पसेस इट विल बी अराउंड 5.5 लीटर। तो इन सब को अगर हम लोग समअप करें तो 20, 23, 24.5, देन इट इज 5.5, 30, 35, 45 एंड 5, ऑल टुगेदर इट विल बी
50 लीटर ऑफ वाटर, यानी एक आदमी को कम से कम 50 लीटर पानी की आवश्यकता है। अभी भी आज के तारीख में इस दुनिया में एक बड़ा हिस्सा जो है वाटर के क्राइसिस से गुजर रहा है। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम पानी को तरह तरह से वेस्ट भी करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक शायद आने वाले कुछ दशक के बाद इस धरती का, इस विश्व का तकरीबन 1/3 आबादी जो है वो इस प्रीसियस रिसोर्स का एक्यूट प्रॉब्लम, गंभीर समस्या जो है उससे उसको गुजरना होगा। तो आगे हम इस टॉपिक में शुरुआत करते हैं, सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी हम वाटर कहां से ऑब्टेन करते हैं। अराउंड 71% यानी अर्थ का सरफेस का 71%, अराउंड 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर। अब ये वाटर के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, ये सी और ओशन से मिल सकता है, इसके अलावा रिवर, लेक, स्वैम्प, इससे हमको वाटर मिल सकता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर, ये भी वाटर का सोर्स है। अपने जो सी वाटर होते हैं, इट कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। जिसमें मेनली सोडियम क्लोराइड, इसके साथ साथ मैग्नीशियम का क्लोराइड प्रेजेंट होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सोडियम क्लोराइड की होती है। अब ये वाटर जो है सॉल्टी वाटर है और जनरली इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पर्पसेस। अब जितने वाटर अवेलेबल हैं उस अवेलेबल वाटर में सिर्फ 2% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है जो हमारे यूज का है, यानी ओनली 2% ऑफ अवेलेबल वाटर इज फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर वो है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं और इसमें से भी इन टोटैलिटी ओनली
0.06% ऑफ टोटल अवेलेबल वाटर वी आर एबल टू यूज, यानी इतनी कम मात्रा में हम लोग वाटर को यूज कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम ये कहें कि जो अपने पास वाटर का ये सोर्स है जिसका मैक्सिमम हिस्सा हमारे डायरेक्ट यूज का पार्ट नहीं है, तो आखिर किस तरह से हम लोग वाटर को बैलेंस कर सकते हैं, यानी वाटर का यूज होना फिर वापस वाटर जो है रिजनरेट करे, वाटर का टेबल मेंटेन रहे। तो इन सबको बताने के लिए यहां हम लोग जिक्र करेंगे वाटर साइकिल का। साइकिल का सिंपल मीनिंग होता है एक चक्र, मतलब वाटर से हम स्टार्ट करें, डिफरेंट प्रोसेसेस हो और अल्टीमेटली हम वाटर को फिर से रीअचीव कर लें। तो यही वाटर का साइकिल है। अगर हम एक बार वाटर के साइकिल को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो जो भी वाटर का सोर्स है, चाहे वो रिवर हो, ओशन सी हो, इससे सबसे पहले वाटर जो है इस वाटर का इवेपोरेशन होगा। अगर हम प्लांट्स का जिक्र करें तो प्लांट्स के केस में जो रिलेटेड प्रोसेस है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब आपको वाटर का बन गया वाटर का वेपर, इवेपोरेशन के बाद वी विल गेट वाटर वेपर। अब ये वाटर वेपर जो है राइज करेगा, जब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर कूल होता जाता है और ऊपर के लो टेम्परेचर में कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन के बाद ये वाटर का वेपर जो है वाटर का स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाएगा। ये ड्रॉपलेट्स जो है ये क्लाउड में कन्वर्ट होते हैं एयर को ट्रैप करते हुए, और धीरे धीरे जब इसमें वाटर के ड्रॉप्स भरे हो चले जाते हैं, अपने ही बोझ तले दबने लगते हैं, तो उस समय दे विल फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। इस घटना को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं और इसी प्रेसिपिटेशन को हम लोग डे टू डे लाइफ में रेन कहते हैं। तो बारिश के बूंदों के साथ ये वाटर वापस अर्थ के सरफेस पे आया, चाहे वो रिवर लेक में जाए या सी ओशन में जाए,
या हमारे सड़कों पे गिरे, खेत पे गिरे, खलिहान में जाए, पार्क पे गिरे, तो ये एक पूरा चक्र पूरा हुआ। मतलब वाटर वाया इवापरेशन और ट्रांसपरेशन सबसे पहले कन्वर्ट हुआ किसमें? वाटर के वेपर में। तो सबसे पहले इसका कन्वर्सन हो रहा है वाटर के वेपर में, फिर उसके बाद इस वाटर के वेपर का, यहां देखिए अगला जो प्रोसेस हमने लिखा है कंडेंसेशन का, तो कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद ये कन्वर्ट होगा क्लाउड्स में, और ये क्लाउड्स वाला पार्ट थ्रू प्रेसिपिटेशन यानी प्रेसिपिटेशन के बाद वापस वो वाटर में कन्वर्ट होगा। तो शुरुआत अपने आपने किया वाटर से, कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर और क्लाउड्स के थ्रू वापस फाइनली वाटर में ही। ये जो कंप्लीट साइकिल है, इसी साइकिल को हम लोग जो है वाटर साइकिल कहते हैं। दिस साइकिल इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। तो अभी हम लोगों ने वाटर साइकिल का चर्चा की। अब जैसे अगर हम सी या ओशन के वाटर की चर्चा करें, सी और ओशन वाटर, इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। चाहे अगर हम उसको अपने इंडस्ट्रीज में यूज करें या फिर एग्रीकल्चर पर्पस से यूज करें, तो ये वाटर जो है हमारे लिए अनफिट है। जो अपने रिवर या लेक, रिवर लेक, इन सब के जो वाटर्स हैं, ये वाटर अनसलाइन वाटर है, यानी मोस्टली इनमें सॉल्ट अब्सेंट है। तो ये हमारे लिए एक बेटर पर्पस सॉल्व कर सकता है। लेकिन रिवर या लेक में भी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन रिवर लेक पॉन्ड्स एटसेट्रा कम फ्रॉम सी और ओशन। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये सी या ओशन का सोर्स है, तो ये रिवर लेक पॉन्ड इवन एक ग्राउंड वाटर दे आर डिस्टेंट अवे फ्रॉम सी और ओशन। तो आखिर वाटर यहां से यहां किस तरह से फ्लो करता हुआ आता है?
किस तरह से ये सॉल्ट कंटेनिंग सलाइन वाटर फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में इसकी चर्चा से हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक इस एपिसोड को मैं खत्म करता हूं। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आ गया।